गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक लेकर के हम आए हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन इलेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और अधिकतर यहीं पर हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। देखा है तो स्टूडेंटों की डिमांड को लेकर के हम ये बना रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले जानने की बात यह होती है कि चुनाव जब होते हैं तो यहां पर हमें दो कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है। जब गांव देहात में या कहीं भी चुनाव होते हैं तो कैंडिडेट खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का निर्णय करता है वहां पर केवल दो कैंडिडेट रह जाते हैं, जीतने वाला और हारने वाला। यही जब इंडिकेट किया जाता है तो यहां पर देखा जाता है कि सबसे पहली मोटी बात यह है कि दो लोगों का होना कंपल्सरी है। अब कोई स्टूडेंट अगर ये विचार करे कि सब चुनाव में खड़े तो बहुत लोग होते हैं लेकिन क्वेश्चन में दो ही लोगों का क्यों नाम आता है, तो यहाँ पर ये बात है कि खड़े तो कई लोग होते हैं लेकिन हम निर्णय केवल दो ही लोगों पे देते हैं, एक जीतने वाले पर और एक हारने वाले पर, बाद बाकी सबको पीछे कर दिया जाता है। और कभी कभी अगर मजाक के तौर पर हम कहें तो ये कहा जाता है कुछ लोग खड़े होते ही हैं बैठने के लिए, जिन्हें जबरदस्ती बिठाया जाता है। जैसे कह दिया जाए अगर गाँव के लिहाज से देखें हम तो कुछ लोग खड़े ही होते हैं बैठने के लिए, इसका मतलब ये है कि उनके अंडर में 100-200 अगर वोट हैं तो वो खड़े हो गए, और जो उनके विरोध में खड़ा है वो भी उनके परिचित का है तो वो उन्हें कहीं ना कहीं इतना रुपया देगा या कहेगा आप बैठ जाओ अपने वोट हमारे स्तर में डलवा देना। तो इसका भाव ये है कि कुछ लोग खड़े ही होते हैं बैठने के लिए। अब इसमें आज आपको मज़ेदार क्वेश्चन एक सिखाने वाले हैं चुनाव पर आधारित में, जो एकदम सिंपल होता है और बहुत सरल तरीके से सीखेंगे, और हर एक स्टूडेंट जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग देखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे, ये गारंटी है। आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी आगे बढ़ाएं, उनका भी भला हो। देखें चुनाव पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले अगर बेस वाली बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा कह दिया जाएगा, पर धीरे धीरे क्वेश्चनों को हम अगले टॉपिक बाई टॉपिक लेके आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हम आज एक सिखाने वाले हैं और उसमें ये भी सिखा देंगे कि यहाँ से कितने तरह के सवाल निकलते हैं। आप साथ में बने रहिए, बस पेन और कॉपी को जरूर लेकर के बैठा करें, जिससे आपको कोई बात अगर अच्छी लगे तो आप उसको नोट कर लिया करें। नोट करना बहुत ही उत्तम है, हमारा ही वीडियो नहीं, आप किसी का भी वीडियो अगर देखते हैं तो अगर वो चीज़ अगर अच्छी लगती है तो आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। चुनाव पर आधारित प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कह दिया जाए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे या दो प्रत्याशी थे, एक उम्मीदवार ने इतने परसेंट मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार को उसने इतने मतों से हरा दिया या दूसरे उम्मीदवार से इतने मतों से जीत गया, तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। इस सवाल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको दो बातें सिखाने जा रहे हैं, देखिएगा बोर्ड पर। कभी भी चुनाव पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम देखेंगे कुल मतदाता कभी भी जब भी होंगे तो वो 100% होंगे, चुनाव के मतदाता या गांव में कुल मतदाता। फिर इस पर हम जब देखेंगे फैसला करेंगे, जब कैंडिडेट हमारे दो होते हैं तो हम एक तरफ लिखते हैं जीतने वाला और एक तरफ लिखते हैं हारने वाला, एक तरफ लिखते हैं जीतने वाला, एक तरफ लिखते हैं हारने वाला। अब आप 100 बढ़ाने के लिए अगर समय कम समय चाहें तो जीतने वाले को W से इंडिकेट कर सकते हैं और हारने वाले को L से इंडिकेट कर सकते हैं, ये हो गया विनर, ये हो गया लूजर, क्लियर। अब आप यहाँ से ये देखिए अगर 100% में से अगर कोई 50% पाए तो यहाँ पर हम जीतने हारने का फैसला नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक बात ये सीखनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में 50% से मान जरा भी ज्यादा आ जाए, 50% से ज्यादा मान आ जाए, 50% से ज्यादा मान आ जाए तो हम उसको जीतने वाले की तरफ रखेंगे। अब इसमें एक ही मान दिया जाता है, या जीतने वाले का या हारने वाले का, एक का मान हम अपने मन से फाइंड कर लेते हैं,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कैसे, अगर 100% मतदाता हमने मान लिए और जीतने वाला अगर 50 से जरा भी ज्यादा पाया, तो मान लीजिए भाई 60% पाया, तो 100 में से 60 निकल गया तो बचा कितना 40, तो इसको हारने वाले की तरफ रख देंगे, ये दोनों कॉलम हमारे भर जाते हैं। इतना काम तो सीखना ही सीखना है, कन्फर्म है। चुनाव पर आधारित सवालों को हल करने के लिए 100% एक तरफ जीतने वाला एक तरफ हारने वाला, 50% से ज्यादा पाए तो हम उसे जीतने वाले की तरफ इंडिकेट करेंगे और 50% से ज्यादा भी कम पाए तो उसे हम हारने वाले की तरफ प्रदर्शित करेंगे। तो कभी कभी हम 50% से कम पाए तो हारने वाले की तरफ इंडिकेट करेंगे, कभी जीतने वाले का मान दे दिया जाए तो हारने वाले का घटा भी कर लेते हैं क्या, और अगर हारने वाले का दे दिया जाए तो जीतने वाले का, ये कॉलम इतना भरना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप साथ में बने रहिए, देखिएगा। चुनाव पर आधारित सवालों का एक भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और आपका डाउट एकदम दूर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को लेते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। एक चुनाव में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार, एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और 60% मत प्राप्त किया और 600 मतों से 600 मतों से चुनाव जीत गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और 600 मतों से चुनाव जीत गया, तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कितने मतदाता थे, या गांव में कुल कितने मतदाता थे। देखिए ये हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हल डालकर कुछ छोड़ देते हैं, अब आप तैयार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को मतों का 60% मत प्राप्त किया और 600 मतों से चुनाव जीत गया, तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए, अर्थात चुनाव पर आधारित सवालों को हल करने के लिए, हम सर्वप्रथम अपने मन से कुल मतदाता 100% मान लेते हैं, कुल मतदाता 100% मान लेते हैं। ध्यान सुनिएगा और ये बात कंठस्थ करनी है। चुनाव पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम अपने मन से कुल मतदाता 100% मान लेते हैं, कभी किसी से नहीं डरना है मानने में, न किसी से कोई सलाह लेनी है, 100% मान लिया। बस दो लाइनें बनाइएगा जैसे हम बनाना सिखा रहे हैं, एक तरफ लिख लीजिए तुरंत क्योंकि रिजल्ट मिलेगा, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला, एक तरफ जीतने वाला एक तरफ हारने वाला। यदि जीतने वाला कुल मतों के 60% मत प्राप्त किया, यदि जीतने वाला कुल मतों का
60% मत प्राप्त किया तो हारने वाला कितना किया होगा, 40%, 100 से 60 को घटा दिया, ठीक। कुल मतदाता 100% माना, एक तरफ जीतने वाला लिखा, एक तरफ हारने वाला, 60% 100 से 60 घटाया तो 40 मिला, ये हारने वाले को मिला होगा। अब आगे की बात ध्यान सुनिएगा, इन्हीं दोनों का अंतर, इन दोनों का जीतने वाले वैल्यू का और हारने वाले वैल्यू का, इन्हीं दोनों वैल्यू का अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का नियम कहता है हमेशा बड़ी राशि से छोटी राशि घटाई जाती है, माइनस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखेंगे 60-40 का अंतर 20, ये वो अंतर होता है इतने ही मतों से कोई व्यक्ति चुनाव जीता है या दूसरा व्यक्ति हारा है, मतदाता हो या प्रत्याशी हो या उम्मीदवार हो। तो यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कुल मतदाता 100% जीतने वाला लिखा, एक तरफ हारने वाला लिखा, जीतने वाला 60% पाया, हारने वाला 40% पाया, इन दोनों का अंतर निकालते हैं और इन दोनों का अंतर प्रश्न में दिए गए जीते मतों से या हारे मतों की संख्या के बराबर होता है। तो इन दोनों का अंतर 20% 600 के, तो याद रखिएगा कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम अपने मन से हमेशा 100% पर लौटते हैं। तो 600 गुणित का 100 बटा 20, 20 दिया 60 बराबर का 3000 आंसर। क्लियर हुआ? आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, कुल मतदाता 100%, एक तरफ जीतने वाला एक तरफ हारने वाला, जीतने वाला 60 पाया तो हारने वाला 100 से 60 बताया, 40% हो गया। ये बातें हम आपको जो बता रहे हैं किताबों में नहीं लिखी रहती है, स्ट्रक्चर बने रहते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। आप लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा और मनन करिएगा, मनन करने से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर देखा जीतने वाला 60% तुरंत हारने वाला 100 से घटा करके निकाल लिया, इन दोनों का अंतर क्या निकालते, इन दोनों का अंतर निकालते हैं और प्रश्न में दिए गए जीते मतों या हारे मतों की संख्या के बराबर कर देते हैं और कुल मतदाता ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100% पर लौटते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है ये, बल्कि हल्का सवाल माना जाता है और आशा करते हैं आप ये सीख रहे होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, आप आंसर देने का प्रयास करें। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सीखिएगा और जो चीज समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी कुल मतों का, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी कुल मतों का 65% मत प्राप्त किया, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी कुल मतों का 65% मत प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को और दूसरे प्रत्याशी को और दूसरे प्रत्याशी को 1500 वोटों से या 1500 मतों से हरा दिया, या 1500 मतों से हरा दिया,
तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तुरंत हमने बताया, तुरंत हल लिख लीजिए। और जितना काम रट्टा मार करना है उसको तो करना ही करना है, किसी की नहीं सुनना है, तुरंत लिख दीजिए 100% कुल मतदाता हो गए। तुरंत बनाइएगा, एक तरफ जीतने वाला, एक तरफ हारने वाला, एक तरफ जीतने वाला, एक तरफ हारने वाला। फिर हमने आपको बताया चाहे तो आप इसको W से और इसको L से प्रदर्शित कर सकते हैं, विनर एंड लूजर। जीतने वाला तरफ रख दिए 65%, तो हारने वाले का हम तुरंत इंडिकेट कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, 100 से 65 गया तो हारने वाला पाया 35। वो अभी बताए हम आपको इन दोनों का क्या निकालते अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गए 3, इन दोनों का यही अंतर 30% बराबर 1500 के। और हमने बताया कुल मतदाता के लिए हम कहाँ लौटते, हमेशा 100 पर लौटना है, 1500 गुणित का 100/30, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, 3 5 15 बराबर के कुल मतदाता हो गए 5000। आंसर एकदम मस्ती में, बहुत साधारण तरीके से एक एक बार को सुनिए, मनन करिए, ध्यान में रखिए और सवालों को लगाइए। सीखने के बाद ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़वत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। हम किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे तभी हमारे दिमाग में ठहरती है, समझने का फिर नहीं होता है कि समझ में तो एक बार आ गई, बस हमने पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ेंगे। भूलना एक गुण है, फॉरगेटिंग, विस्मृति। हम आपको बताते रहते हैं बराबर, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको अब ये सिलसिला बताते हैं कि किस क्वेश्चन से कितने तरह के सवाल निकाल सकते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चुनाव पर आधारित सवाल आपको सिखा के रहेंगे हम, जितने लोग अभी जुड़े हैं सीखेंगे और लोगों को जुड़वाने का प्रयास करें। चलिए इस पे हम स्टार लगा लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से कितने तरह के सवाल निकलेंगे और आपकी हमेशा के लिए जड़ खत्म हो जाएगी। और क्या याद रखना है, बस सवाल लगाने किताबों से घूम घूम के, चाहे इस राइटर की किताब लगाइए, ठीक है। चलिए साथ में बने रहिए। एक चुनाव में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया, 60% मत प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को, और दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे उम्मीदवार को 1800 मतों से हरा दिया और दूसरे उम्मीदवार को 1800 मतों
टू डैश लगा दो। सुनिएगा ध्यान से, अब यहाँ से हम तीन सवाल निकालते हैं। पहला तो ये अभी सीख चुके हैं, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। इसी में मान लो ये क्वेश्चन ना पूछ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाषा से सब कुछ यही रहेगा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तीसरा क्वेश्चन इसी से निकल सकता है, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। ये तीन तरह के सवाल यहां से निकलते हैं छोटे वाले क्वेश्चन से। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे या दो प्रत्याशी थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1800 मतों से हरा दिया। यहाँ पर देखो दो तरह की भाषा आती है, या इसको जीतने के लिए कहता तो जीतना हो जाता, किसी को हरा दिया तो दूसरे उम्मीदवार को लगा दिया, अगर जीतना कहता तो वही उम्मीदवार बना रहता। एक बात बताते हैं आपको, देखो ध्यान से देखिएगा साइड में, SSC जो एक आयोग होता है इसके हिसाब से जब क्वेश्चन निकलते हैं मार्केट में, तो यहाँ से ये देखा जाता है कि सवाल को घुमाया कैसे जाता है। आप बने रहिए, देखिए गलत से हम आपसे कहें ये ए है ये बी है और इसके पास 120 रुपए हैं और इसके पास 100 रुपए हैं। अब अगर कोई ये कहे ए के पास बी से 20 रुपए अधिक है दिख रहा है और बी के पास ए से 20 रुपए कम है, तो इसको भाषा शैली से कैसे बोला जाएगा। हम क्वेश्चन पुट अप करें, ए के पास बी से कितने रुपए अधिक हैं, अधिक पॉइंट आया कितने रुपए अधिक हैं, आप आंसर बताओ तब भी कितना रहा 20। कोई ये पुट अप कर दे आपसे, बी के पास ए से कितने रुपए कम हैं, तो एक बार चाहे अधिक कह दिया जाए चाहे कम, जो मूल पद्धति है जो मूल आंसर है वो कभी नहीं बदलता। भाषा शैली के तरह से दो तरह से आंसर इसी से निकल के आता है कि हर एक बात के दो मतलब होते हैं जो प्रकृति में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आया 120 रुपए इसका 100, तो ये भी कितना कम है 20, ये अधिक है 20, ये कम 20। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आए, हमने यहाँ से आपको तीन तरह के सवाल दिए, तीन तरह में पहला सवाल तो आप फटाफट लगा लीजिए, देखिए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो चुनाव में कुल मतदाता थे निकालने के लिए हमने कहा अपना प्रोसेस सबसे पहले लिखिए हल, ये आप एक हैबिट डालिए, अधिकतर स्टूडेंटों में ये कमी पाई गई है, लिखते कम है, ज्यादा से ज्यादा लिखिए। आइए BCS वालों को देखो कितना लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हल डालने से ये हो जाता है कि हम इस काम पर चल रहे हैं, वो जब कुछ डाला ही नहीं तो पता ही नहीं हमें कहाँ चलना है। हल डाल लिया तो फिर आपका दिमाग बंद जाएगा कि हमें सवाल को क्या करना है हल। तो हमने देखा यहाँ पर कुल मतदाता हमेशा 100% माने, और तुरंत अब हम लिखेंगे शॉर्ट में, एक तरफ लिखेंगे विनर एक तरफ लूजर, जीतने वाला पाया 60%, तो हारने वाला कितना पाया होगा 40%। बोलो इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं अंतर, इन दोनों का प्रेम से निकाल लेते अंतर आया 20%। यही अंतर प्रश्न में दिए गए हारे या जीते मतों की संख्या के बराबर होता है, तो यही 20% बराबर 1800 के। हम कुल मतदाताओं की संख्या के लिए कहाँ लौटते 100 पर, कहाँ लौटते 100 पर, काय के लिए लौटते कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए, 1800 गुणित का 100 बटा 20, एक जीरो से जीरो खत्म दोनों 18, कुल मतदाता आ गए 9000।
कितने मतदाता थे, पैटर्न हम सिखा चुके, तो हो गया 9000। अब मान लो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये पूछ लिया जाए तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो अब अगर हमने 100 निकाल लिया तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले मत, तो जीतना कितना मिला 60। तो हम क्या करेंगे, दूसरे का आंसर ज्ञात करने के लिए जीतने वाले उम्मीदवार को मिले मत बराबर 9000 का कितना निकाल दीजिए, 60%। और हम आपको सिखाए पिछले वीडियो में, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें अगर समझ में ना आया हो। का हटेगा गुणा परसेंटेज हटेगा बटा 100। का कभी भी हटे मैथमेटिक्स में हमेशा गुणा उत्पन्न होगा, परसेंटेज अगर हटाना है तो हमेशा ऑलवेज बटे में 100 गिरेगा। दो बिंदी से दो बिंदी खत्म, 9×6=54। ये देखिए जीतने वाले को मिले 5400, हारने वाले का आ गया क्वेश्चन। अगर ये कह दिया जाए हारने वाले को उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तब अब इसी का देखो हमने कुल निकाल लिया तो हारने वाले के लिए हो जाएगा 9000 का 40%। का हटेगा गुणा लगेगा, परसेंटेज हटेगा बटे 100 गिरेगा, दो बिंदी से दो बिंदी खत्म, 9×6=36। ये देखो हारने वाला पाया 3600, जीतने वाला 5400, कुल मतदाता 9000। और साथ में थोड़ा बने रही, ये तो बात हो गई एकदम सिद्धांत की बात की ऐसे किया जाता है। मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना लिखा होता, केवल ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो यहीं पर एक विधि प्रोसेस ये देख लीजिए, तब हम सीधा सीधा लिखेंगे यही 20% बराबर 1800 के। अगर हमसे कहे कुल मतदाता ज्ञात करो तो हम 100 पर लौटते हैं, अगर जीतने वाला उम्मीदवार कह दे तो हम जीतने वाले के परसेंटेज मान पर ही वहीं पर लौट आते हैं, तो सवाल हमारे लिए और सरल बन जाता। जीतने वाला कह दिया तो 60 पे यहीं पर लौटता हो, तो 1800 × 60 = 20। जैसे ही हुआ तो यहाँ हो जाएगा 20 + 60 = 1800 = 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा हारने वाले का, क्या हारने वाले के लिए यही 20% बराबर 1800, तो कहाँ लौटाओगे, डायरेक्ट 40 पर किया। सीधा सीधा बात तो ये है कि मतदाता पहले निकाल लो, फिर अपना जीतने वाला निकाल लो, फिर हारने वाला। यहाँ से इस वाले पहले वाले सवाल से चुनाव पर आधारित प्रश्नों में तीन तरह के सवाल निकल सकते हैं, तीनों तरह के सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा के लिए इसको देखते रहिएगा। अच्छा लगा होगा, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को आगे बढ़ाएं, विशेषकर निवेदन है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन कर लेते हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है एक क्वेश्चन। आप लोग एकदम तैयार रहिए, पेन हाथ में ले लीजिए, रजिस्टर पे एकदम लिखिए फटाफट, सबसे पहले आंसर दे दीजिए। और इसमें हम डबल स्टार लगा देते हैं और ये देखेंगे कि हम हारने वाले से क्वेश्चन को उठाएंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का
का 45% मत प्राप्त किया और 1400 मतों से चुनाव हार गया और 1400 मतों से चुनाव हार गया। तो अब देखिए, तीनों सवाल बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तीन सवाल यहां से निकले, चुनाव में कुल मतदाता ज्ञात करो, जीतने वाला ज्ञात करो, हारने वाले को कितने मत मिले वो ज्ञात करो। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, दूसरा जीतने वाले को मिले मत, तीसरा हारने वाले को मिले मत। ये सबसे पहला आपका तुरंत प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, हल हावला हल लिखा। यहाँ पर हमने देखा 100% मानते हैं, फिर हम देखते हैं एक तरफ जीतने वाला तो विनर से डिलीट कर दिया, हारने वाला तो एस से डिलीट कर दिया। फिर क्या किया देखिए, अब इसमें दिया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया और 1400 मतों से चुनाव हार गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे देखिए, तो अब हारने वाले का दिया है, हमने क्या बताया था शुरू में, अगर 50% से कोई भी कैंडिडेट कम प्राप्त करता है तो वो हारने वाले की तरफ निगेट किया जाएगा। तो ये हो गया 45% लूजर। अब 100 में से 45 गया 55, जीतने वाला पाया 55। इन दोनों का अंतर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यही 10% बराबर 1400 के। कुल मतदाताओं की संख्या के लिए कहां लौटते 100 पर, तो लौटेंगे 1400 गुणित का 100 बटा 10, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल बराबर का। कुल मतदाताओं की संख्या हो गई ये देखो 14000 आंसर। अब इसी क्वेश्चन में हमने कहा है जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, तो कितना मिला 55, तो आप यहीं पर निकाल दीजिए 14000 का 55%, हारने वाले को मिले 14000 का 45%। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, आप कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपका प्रैक्टिस करिएगा, हर किताब को सवाल जरूर लगाइएगा, हर एक राइटर का सम्मान करिएगा, किताब को अच्छे से व्यवस्थित करिएगा। इन बातों को ध्यान में रखना, आप कभी वीडियो पर ये देखकर भी ना करिए कि सर से लोग पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। हमारा काम है पढ़ाना, प्रैक्टिस करना और स्पीड बनाना, तो काम आपका है। आप वीडियो को देखिए, छोटी छोटी भी बातों को ध्यान में रखिए, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी कमजोरी को बताया जाएगा हमारे हर एक वीडियो के लेक्चर में, और आप उन्हें तसल्ली से सुनिए और लिखिए। आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, आगे बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।